और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां जिले के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्नवा गांव के पास लखनऊ प्रयागराज हाईवे की बताई जाती है, जहाँ पर एक पिकअप सवारी भरकर रायबरेली से लखनऊ की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर कन्नवा के गाँव के पास पहुंची, वैसे ही पिकअप अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई। खंभे से टकराने के बाद घायलों में चीख पुकार मच गई, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी बछरावा भेजा गया है। दुर्घटना में शिवगढ़ थाना क्षेत्र के हसवा के रहने वाले सुषमा देवी 28 वर्ष, उनकी 4 वर्षीय बेटी पीहू, कानपुर के गुमटी नंबर 5 निवासी अरविंद जायसवाल, 24 वर्षीय पद चालक राजू, हरचंद्र थाना क्षेत्र के बिलिया का पूर्वा निवासी 63 वर्षीय सूर्यपाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुषमा देवी और पीहू की हालत गंभीर बताई जाती है, जिनको देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले में थाना अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। विराट 24 न्यूज के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टकराई, खंभे से टकराई, 6 लोग कुछ उसमें से 3 सीरियस थे, लेकिन रेफर सभी को कर दिया गया प्राइवेट ट्रीटमेंट करने के बाद जिला अस्पताल रायबरेली।